आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है दोहरा रक्त परिसंचरण है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण, दोहरा रक्त परिसंचरण मतलब है डबल ब्लड सर्कुलेशन। दोहरा रक्त परिसंचरण है, डबल ब्लड सर्कुलेशन है, वो अपन समझेंगे कि क्या होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि शरीर के किसी भाग में रक्त जाने से पहले हृदय में से दो बार गुजरता है। यानी शरीर के कोई भाग या अंग है, उस अंग में जाने से पहले हृदय में से रक्त का परिवहन दो बार होगा। एक बार हृदय में से शुद्ध रक्त गुजरेगा और एक बार अशुद्ध रक्त गुजरेगा। तो सीधा सा दोहरा रक्त परिसंचरण शब्द है, उसके अंदर ही उत्तर है कि शरीर के किसी अंग में रक्त जाने से पहले, शरीर के किसी अंग में रक्त जाने से पहले, शरीर के किसी अंग में रक्त जाने से पहले, रक्त जाने से पहले हृदय में से दो बार गुजरता है। जो हृदय है उसमें से दो बार गुजरता है, दो बार गुजरता है, इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो पूछा गया भाई दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, तो शरीर के किसी भाग में रक्त जाने से पहले हृदय में से दो बार गुजरा। समझाते हैं कैसे, कि हृदय में चार देश में दो आलिंदे और दो नीले हैं। ये दो आलिंदे और दो नीले हैं, ठीक है। हृदय में दो आलिंद होते हैं और दो नीले हैं, ये आलिंद है और ये आलिंद है, और ये नीले हैं और ये नीले हैं, ठीक है। अब हृदय में क्या है, आलिंद और नीले हो गए। अब आलिंद में भी क्या है, एक दायां भाग है, एक बायां भाग है। ये भाग है, इसका नाम है दायां। क्या है, दायां। यानी मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो ये राइट है, क्या है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो अपन के जस्ट इसको इमेज बना रहे हैं, ये दायां है, यानी मैं इसका जस्ट उल्टा है। अगर मैं ये दायां है तो आपको यूं खड़ा होकर देखना पड़ेगा कि आपने जो लिखा है वो सही है कि इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट हाथ है, तो अपन ये हार्ट बना रहे हैं, इधर होगा दायां और इधर होगा बायां। तो ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां नीले और ये हो गया बायां नीले, ठीक है। तो ये हृदय के चार मेष होते हैं, दो आलिंद दो नीले। सबसे पहले क्या होता है, ये ऊर्ध्वमान सिरा और निम्नमान सिरा। ऊर्ध्वमान सिरा है, ऊर्ध्वमान सिरा और निम्नमान सिरा, जो ऊर्ध्वमान सिरा है और निम्नमान सिरा होती है, ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को, ये ऊर्ध्वमान सिरा और निम्नमान सिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को क्या करती हैं, दाएं आलिंद में लेकर आती हैं। दाएं आलिंद में रक्त होता है अशुद्ध, दाएं आलिंद में रक्त होता है अशुद्ध। अशुद्ध रक्त का मतलब है अनऑक्सीजनित रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है अनऑक्सीजनित रक्त, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसे रक्त को कहते हैं अशुद्ध रक्त। तो अनऑक्सीजनित रक्त है उसको कहते हैं अशुद्ध रक्त। तो ऊर्ध्वमान सिरा और निम्नमान सिरा दाएं आलिंद में रक्त लाती हैं, तो दाएं आलिंद में रक्त होता है अशुद्ध। फिर वहां से आता है दाएं नीले में। दाएं नीले से क्या होता है, ये फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। दाएं नीले से निकलती है फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है, ये फुफ्फुसीय धमनी फुफ्फुस में रक्त ले जाती है। ये रक्त ले जाती है फुफ्फुस में, यानी जो फेफड़े हैं उसमें रक्त जाएगा। फुफ्फुस के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है। फुफ्फुस के अंदर क्या होता है, इस रक्त में ऑक्सीजन मिलती है और इस रक्त में से CO2 बाहर निकल जाती है। तो रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, फुफ्फुस। हृदय का काम है रक्त को सिर्फ पंप करना। ये सवाल भी आता है कि हृदय का काम है रक्त को सिर्फ घुमाना, ये मोटर है, और ये फुफ्फुस है वो रक्त को साफ करती है, रक्त में से CO2 बाहर निकालती है और ऑक्सीजन इसमें मिलाती है, रक्त हो जाता है शुद्ध। अब इस रक्त को अपन कहते हैं ऑक्सीजनित रक्त। इस रक्त को अपन कहते हैं ऑक्सीजनित रक्त, यानी ये रक्त कैसा है, शुद्ध रक्त है। इस शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय शिरा एकत्रित करती है। इस शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय शिरा है वो एकत्रित करती है और इस रक्त को लेकर आती है कौन से भाग में,
बाएं आलिन में, बाएं आलिन से रक्त आता है बाएं नीले में, और बाएं नीले में और बाएं आलिन में रक्त है शुद्ध और दाएं भाग में है रक्त अशुद्ध। ये भी सवाल आता है कि हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त है और हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त है। तो हृदय के दाएं भाग में तो रक्त होता है अशुद्ध और हृदय के बाएं भाग में होता है शुद्ध रक्त। ये हृदय में आपस में कहीं मिलते नहीं है, शुद्ध अशुद्ध रक्त कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, ये कपाट है, बीच में ये दीवारें हैं जो रक्त को मिलने नहीं देती हैं। तो यहाँ बाएं आलिन से रक्त आता है बाएं नीले में, और बाएं नीले से रक्त है वो पुपुष्य वो महाधमनी चाप द्वारा, वो महाधमनी चाप द्वारा पूरे शरीर में जाता है, वो महाधमनी चाप द्वारा पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर से रक्त होता है अशुद्ध। उस रक्त को वापस महाशिरा, निम्न महाशिरा, उर्ध महाशिरा लेके आती है दाएं आलिन में, दाएं आलिन से रक्त आता है दाएं नीले में, दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त जाता है फुफ्फुस में, और फुफ्फुस से फुफ्फुस शिरा है उस रक्त को लेके आती है बाएं आलिन में, ये रक्त है शुद्ध। फिर उसके बाद बाएं नीले में, फिर महाधमनी चाप से पूरे शरीर में। तो शरीर में रक्त जाने से पहले हृदय में से दो बार गुजरा, एक बार शुद्ध रक्त, एक बार अशुद्ध रक्त गुजरा, दूसरी बार शुद्ध रक्त गुजरा। तो शरीर के किसी भाग में जाने से पहले हृदय में से कितनी बार गुजरा है, दो बार। शरीर के किसी अंग में रक्त जाने से पहले हृदय में से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दो बार गुजरता है, तो इसको कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। अब आपको ध्यान रखना है कहाँ से रक्त आया कहाँ गया। अब एक सवाल आता है कि शरीर की ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी, ये धमनी ही एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सारी धमनियों में रक्त कैसा बहता है, शुद्ध, ठीक है। ऐसी कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त है, तो ये फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त है, बाकी सारी सिराओं के अंदर रक्त कैसा है, अशुद्ध है, ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब मैं इसका एक डायग्राम और बनाऊंगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये अपने ध्यान रखना है बच्चों। हाँ, तो अब देखो अपन द्वारा रक्त परिसंचरण पढ़ रहे हैं, इसको अपन एक डायग्रामेटिक विधि से समझते हैं। ये सबसे पहले अपन कहते हैं कि शरीर का कोई अंग है, अपन शरीर का कोई अंग मान लेते हैं, ठीक है। इससे सिराएं में उर्ध महाशिरा और निम्न महाशिरा, उर्ध महाशिरा और निम्न महाशिरा वो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेके आ रही है, उर्ध महाशिरा और निम्न महाशिरा पूरे शरीर से रक्त को लेकर आ रही है, ठीक है। यह रक्त है अशुद्ध, यानी कि अपने उत्तक है, उत्तक के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, वो तो काम में ले ली जाती है और सीओ टू मुक्त कर दी जाती है, ये अनऑक्सीजनित रक्त है, यानी रक्त है अशुद्ध, अनऑक्सीजनित रक्त है। अब ये रक्त है ये आता है हृदय में, हृदय के कौन से भाग में आता है, हृदय के दाएं आलिन में रक्त आता है, दाएं आलिन से रक्त है वो अपने आता है दाएं नीले में, कहाँ आएगा, दाएं नीले में। इस भाग के अंदर रक्त कैसा है, अशुद्ध है। अब यहां से क्या होता है, यहां से निकलती है फुफ्फुसीय धमनी, यहां से निकलेगी फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी है यहाँ, और फुफ्फुसीय धमनी के अंदर रक्त है वो अपने ध्यान रखना है अशुद्ध। अब फुफ्फुसीय धमनी से यहाँ से रक्त जाएगा फुफ्फुस में, यहाँ से रक्त जाता है फुफ्फुस के अंदर रक्त जाएगा, थोड़ा डायग्राम है उसको अपन चेंज करते हैं, यहाँ से ये फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा और यहाँ से जाएगा फुफ्फुस में। फुफ्फुस में क्या होगा, रक्त होगा शुद्ध, इसमें ऑक्सीजन मिलेगी और इसमें से सीओ टू बाहर निकल जाएगी। फिर यहाँ से ये फुफ्फुस शिरा, यहाँ से ये फुफ्फुस शिरा है वो रक्त को एकत्रित करेगी, फुफ्फुस शिरा, और फुफ्फुस शिरा के अंदर रक्त होता है शुद्ध। यहाँ से ये रक्त आता है बाएं आलिन में, बाएं आलिन में, बाएं आलिन से रक्त आता है बाएं नीले में, और बाएं नीले से रक्त है वो आपको बताना है महाधमनी चाप द्वारा पूरे शरीर में जाता है, महाधमनी चाप द्वारा पूरे शरीर में जाता है।
तो इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहीं आपस में मिश्रित नहीं होता है और हृदय में से रक्त दो बार गुजरता है। नेचुरल सी बात है। मान लो आपसे पूछा कि इसका क्या महत्व है, इसका सबसे पहला महत्व यही है कि इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहीं मिश्रित नहीं होता है। दूसरा महत्व है कि इससे कार्य क्षमता बढ़ती है। एक क्या होता है, अशुद्ध खाना खिलाया जाए, एक मिश्रित खिलाया जाए और एक शुद्ध खिलाया जाए, तो अपन को पता है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है तो उस व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो सबसे पहला महत्व ये है कि इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त हृदय के किसी भाग में मिश्रित नहीं होता है। सबसे पहला महत्व है शुद्ध और अशुद्ध रक्त हृदय के किसी भाग में मिश्रित नहीं होता है। दूसरी विशेषता है कि इससे क्या होता है, ऊतकों को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है, जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता है वो अधिक बढ़ जाती है और ऊर्जा उत्पादन उनमें अधिक होता है। ठीक है, तो ये अपने द्वारा रक्त परिसंचरण कंप्लीट हो गया। ये बच्चों आप वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।